वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक एमएस पे। मेरा नाम मोनिश है। दोस्तों अभी की जो सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पूरा दिन फोन में लगे रहते होंगे, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज मैं भी पूरा दिन फोन में ही लगा रहता हूँ। तो हाँ, इतना ज़्यादा भी हमें फोन को यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना वो हमारी मेंटल हेल्थ को और हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगी अपने फोन के यूजेज को कंट्रोल में रखने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए। तो यस, चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन सी एप्स है। सो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये की सब एप्स फ्री है और आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लो। तो यस, ये सबसे पहली जो ऐप है उसका नाम है डिजिटॉक्स, और ये वाली ऐप का सबसे मेन काम ये है कि आप ये आपको सारे एनालिटिक्स देगा कि आपने भाई दिन में कितने घंटे अपना फोन यूज किया, कौन सी ऐप में आपने कितना टाइम स्पेंड किया, और बाद में आप कौन सी कैटेगरी में, मतलब ये अपने हिसाब से आपके फोन में जितने भी ऐप्स हैं उसको कैटेगराइज कर देगी। मतलब गेम्स की कैटेगरी में आपके फोन में जितनी गेम्स है उसको डाल देगी। तो ऐसे ये कैटेगराइज कर देगी और बाद में आपको बताएगी कि कौन सी कैटेगरी में आपने कितना टाइम स्पेंड किया। तो ये इस ऐप का सबसे मेन काम है। लेकिन देखो, आजकल के जो नए फोन आ रहे हैं उसके सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है डिजिटल वेलबींग का, और ये डिजिटल वेलबींग के ऑप्शन के अंदर आप ये सब चीज़ें पहले से चेक कर सकते हो। तो अगर आपके फोन में पहले से ही ये ऑप्शन है सब चीज़ें चेक करने का कि कितने घंटे स्पेंड कर रहे हो फोन में, तो फिर आपको ये ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए ये ऐप इतना कुछ यूनिक काम नहीं करती, लेकिन ये ऐप का सिर्फ एक फीचर ऐसा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। और वो फीचर है कि आप कोई भी ऐप के ऊपर एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर सकते हो। मतलब मान लो मुझे चाहिए कि मैं दिन में इंस्टाग्राम को एक घंटे से ज्यादा यूज ना करूं, तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर एक घंटे की लिमिट लगा सकता हूं, और उसके बाद जब पूरे दिन में मैं इंस्टाग्राम को एक घंटा यूज कर लूंगा तब मुझे ये डिजिटॉक्स की ऐप मेरे स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप दिखा देगी। उसमें लिखा होगा कि भाई आपने जो लिमिट सेट की थी वो आपने खत्म कर ली है। अब आपके पास या तो दो ऑप्शन है, या तो इस ऐप को बंद कर दो, या तो आप 15 मिनट और एक्सटेंड कर लो। 15 मिनट बाद वापस आपको सेम वो पॉपअप दिखाई देगा कि हाँ आपने बहुत ज्यादा फोन यूज कर लिया, अब इसको बंद कर दो, या सेम वही पॉपअप दिखाई देगा। तो हाँ, ये जो ऐप का फीचर है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर ऐप के पर कितने भी टाइम की लिमिट लगा सकते हो, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, और ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपने जो भी, मान लो आप कोई भी ऐप के ऊपर आपको, या फिर कोई ऐसी गेम है जो आप पूरा दिन खेलते रहते हो, तो उसको कंट्रोल करने में ये वाला फीचर आपको बहुत काम आएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये ऐप सजेस्ट कर रहा हूं। डिजिटॉक्स बहुत जबरदस्त ऐप है और मैं तो इसको आज के बाद हमेशा यूज करने वाला हूं और अपनी सभी ऐप्स के ऊपर एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करने वाला हूं, तो इसको जरूर से डाउनलोड करना। इसके बाद बढ़ते हैं हमारी सेकंड ऐप की तरफ जिसका नाम है एक्टिविटी बबल्स, और ये वाली एप्लीकेशन एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है। और इसमें क्या होगा कि आपको बस ये ऐप ओपन करके इसका वॉलपेपर सेट कर लेना है। उसके बाद पहले तो ये वॉलपेपर एकदम सिंपल सा प्लेन ब्लैक कलर का वॉलपेपर होगा, लेकिन बाद में दिन में आप जैसे जैसे अपना फोन यूज करोगे वैसे वैसे ये वॉलपेपर के ऊपर से मतलब बबल्स गिरते जाएंगे। तो हाँ, जितने ज्यादा आप फोन को यूज करोगे उतने ही ज्यादा और उतने ही बड़े बड़े बबल्स आपको आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेंगे, और मतलब बढ़ते जाएंगे ये बबल्स। तो हाँ, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी कि आप अपना वॉलपेपर देख के ही पता कर सकते हो कि भाई आपने आज के दिन में कितना फोन यूज किया, और अपने ऊपर एक लिमिट भी लगा सकते हो कि भाई मुझे ये बबल्स को पूरा भरने से रोकना है। तो हाँ, ये भी काफी ज्यादा अच्छी है, आपको हेल्प करेगी अपने फोन के यूजेज आप कितना यूज कर रहे हो वो चेक करने के लिए भी और उसको लिमिट करने के लिए भी। तो इसको भी जरूर से डाउनलोड करके ट्राई करना, बहुत अच्छी ऐप है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है ब्लॉक ऐप्स, और ये वाली ऐप के थ्रू आप अपने कोई भी पर्टिकुलर ऐप को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ब्लॉक कर सकते हो। मतलब मान लो दिन में दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक का जो मेरा टाइम होता है वो मेरा पढ़ाई करने का टाइम होता है। तो ऐसे में अगर मेरे फोन में कोई गेम्स वगैरह होंगी तो वो मुझे काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, मेरा पढ़ाई पर से कॉन्सेंट्रेशन हट सकता है। तो ऐसे में मैं ये ब्लॉक ऐप की ऐप का यूज करके मेरे फोन में जितनी भी गेम्स है उसको मैं दोपहर के 2 से 4 बजे के लिए ब्लॉक कर दूंगा। मतलब पहले तो मुझे नीचे प्लस के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइम जो है वो डालना है कि दोपहर के 2 से 4 बजे तक का, उसके बाद मुझे यहाँ पे जो ऐप्स को या फिर जो गेम्स को मुझे ब्लॉक करना चाहता हूँ वो गेम्स और ऐप को मुझे सिलेक्ट कर लेना है। बाद में जैसे अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम और लूडो किंग ये दो ऐप्स को सिलेक्ट किया है, और अभी मेरे पास यहाँ पे अब और दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं इस ऐप के नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकता हूँ, मतलब मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा दोपहर के 2 से 4 बजे के बीच में, या फिर मैं चाहूँ तो इस ऐप को ओपन करने से भी रोक सकता हूँ। ऐप लॉन्च का जो फीचर है उसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो ये ऐप को मैं ओपन भी नहीं कर पाऊंगा। तो हाँ, अभी मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो, अभी मैं चाहकर भी दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के बीच में ये इंस्टाग्राम और लूडो किंग की ऐप को ओपन नहीं कर पाऊंगा, तो हाँ मेरा पढ़ाई पर से कॉन्सेंट्रेशन नहीं हटेगा। तो ऐसे ही आप जितने चाहो उतने इसमें ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हो अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग ऐप्स के लिए, जैसे आपको चाहिए वैसे ब्लॉक क्रिएट कर लो। जैसे पढ़ाई के टाइम के लिए मैंने किया, अभी आप दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो तब आपकी सारी काम की मतलब
मान लो आप ऑफिस जाते हो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो आपकी ईमेल और वो सब जो बिजनेस वाली एप्लीकेशन होती है उन सबको ब्लॉक कर दो, या फिर ऑफिस में काम कर रहे हो तब सारी बाकी जो ऐप्स होती है इंस्टाग्राम और गेम्स वगैरह की उसको ब्लॉक कर लो। तो ऐसे ही आपको जिस तरीके से यूज़ आए उस तरीके से आप इस ऐप को यूज़ करो, बहुत ज़्यादा अच्छी ऐप है, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अपने जो फ़ोन में एक्स्ट्रा ऐप्स है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है उसको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने से रोकने के लिए। और हाँ, एक बार अगर आपने कोई ऐप को ब्लॉक कर दिया उसके बाद जब तक आपने जो टाइम सेट किया है वो खत्म नहीं होता तब तक आप चाहकर भी वो ऐप को ओपन नहीं कर पाओगे। तो हाँ, सोच समझ कर ये ऐप के कोई भी ऐप के ऊपर ब्लॉक लगाना, वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी। लेकिन हाँ, एक तरीका है अगर आपको वो ऐप को बांधे ओपन करना है तो वो तरीका है कि आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना होगा, रीबूट करना होगा और उसके बाद ये ब्लॉक ऐप्स की एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो जब आप रीस्टार्ट करने के बाद ये ब्लॉक ऐप्स की ऐप को ओपन करोगे तो ये ब्लॉक ऐप्स की ऐप अपने आप ही आपने जितने भी ब्लॉक्स क्रिएट किए थे उन सबको हटा देगी। तो हाँ, ये एक ही तरीका है आपके पास अगर आप इमरजेंसी में कोई ब्लॉक हटाना चाहते हो अभी के अभी। तो हाँ, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी ऐप है, ब्लॉक ऐप की ज़रूर ट्राई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारी फोर्थ और लास्ट ऐप की तरफ जिसका नाम है वी फ्लिप। और ये वाली ऐप आपको तब काम आएगी जब मान लो आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, बातें कर रहे हो, मस्ती मजाक कर रहे हो और ऐसे में अगर आपका कोई एक फ्रेंड अलग अपना मतलब बातों पे ध्यान ना देके अलग अपना ही फोन में लगा हुआ है तो बाद में वो बहुत इरिटेटिंग लगता है और ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो हाँ, इसीलिए ये ऐप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी वी फ्लिप। इसमें क्या होगा कि आपको अपने फोन में ऐप डाउनलोड करनी है और अपने सभी दोस्तों को कहना है कि वो सब अपने फोन में ये वी फ्लिप की ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद आपको इसमें कुछ परमिशन वगैरह देनी होंगी लोकेशन और ब्लूटूथ वगैरह की। और वो देने के बाद आप जब इस ऐप को ओपन करोगे तो आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल सा इसका इंटरफेस है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। आपको अपना मोबाइल डाटा ऑन रखना है, आपके सभी दोस्तों को अपना मोबाइल डाटा ऑन रखना है और बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे लिस्ट दिखाएगा कि कितने लोगों ने अभी ये वाली ऐप अपने फ़ोन में ऑन करके रखी है। तो देखो, मैंने यहाँ पे अभी दूसरे फ़ोन में ये सेम ऐप ओपन करके रखी है। तो अभी मुझे क्या करना है कि बस मुझे ये स्लाइडर को ऐसे नीचे कर देना है। तो अभी ये मेरा वी फ्लिप का सेशन ऑन हो गया और ऐसे ही मेरे बाकी सब दोस्तों को, अभी तो मेरे पास कोई दोस्त है नहीं अभी मेरे पास यहाँ पे, तो अभी जैसे ये दूसरे फ़ोन में भी मैं इसको ऐसे ऑन कर देता हूँ तो अब ये हमारा वी फ्लिप का सेशन ऑन हो गया। और अब मैं चाहकर भी अपने फोन को यूज नहीं कर सकता, ना मैं बैग जा सकता हूं ना कुछ भी कर सकता हूं, तो मतलब मेरे फोन को अब मैं यूज ही नहीं कर सकता। अब मुझे बस इसको साइड में रख देना है और बस अपने दोस्तों के साथ जो बातें वगैरह चल रही है उसको एंजॉय करना है। तो हाँ, ये ऐप आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, ना कोई आपको नोटिफिकेशन भी नहीं दिखेंगे अपने फोन के, तो हाँ आपका फोन कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करेगा आपके दोस्तों के साथ जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उसमें, या फिर फैमिली के साथ भी, अगर आप फैमिली के साथ भी ये ऐप को यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी ऐप है। और हाँ, अगर आपको ये जो सेशन आपने शुरू किया है उसको अगर ख़त्म करना है तो आपको बस अपने फ़ोन को एक बार अनलॉक करना है और जैसे ही आप अनलॉक करोगे, रुको अनलॉक नहीं हुआ, देखो जैसे ही आप अनलॉक करोगे अपने आप ही ये सेशन खत्म हो जाएगा और आपके साथ साथ आपके सब दोस्तों का भी सेशन खत्म हो जाएगा अगर कोई एक बंदा भी अपना फोन अनलॉक कर लेता है तो। और आपको बाद में यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कितनी देर के लिए ये सेशन ऑन रखा, यहाँ पे देख लेते हो 1 मिनट दिखा रहा है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपने दोस्तों के साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हो उसको और भी बेहतर बनाने के लिए। तो बस ये थी 4 ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपको अपने फ़ोन के यूजेज को कंट्रोल करने के लिए और अपने फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हेल्प करेगी। तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप्स। और ऑन अ सीरियस नोट यार, हमारा फ़ोन और इंटरनेट जितनी ही अच्छी चीज़ है उतनी ही उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो हमें उस सबको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। हर एक चीज़ आप लिमिट में यूज़ करो तो अच्छी है, उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो बाद में वो आपको उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हाँ, बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप ऑन एन एवरेज दिन में कितने घंटे अपना फ़ोन यूज़ करते हो, ये लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन के बाद भी नॉर्मल लाइफ में भी कितना यूज़ करते हो, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। और बस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सॉरी बोल दिया मैंने ऑलरेडी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और बस मिलता हूँ आप सबको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।